कौन जानदा सी लाहौर दे इलाके रंग महल दी गलियां च आम जी जिंदगी गुजारन वाला इल्मू एक दिन शोहरत पा के गाजी इलम दीन शहीद दे नाम तो अमर हो जाएगा। सन 1923 नू एक हिंदू पब्लिशर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान च गुस्ताखी ते एक किताब छापती। उन्हू की मालूम सी कि नमूसे रसालत दे परवाने आपकी जान की कुरबानी दे के भी हुरमते रसूल का दिफा करनगे। जदों इस गल का पता गाजी इलम दीन शहीद नू लगा तो उन्हें रामपाल नू उन्दी दुकान च दाखिल होके अंजाम नू पहुँचाया तो दुनिया वास्ते यह पैगाम दिता कि नमूसे रसालत ते मालोमता नहीं जान भी हाजिर है। गाजी इलम दीन शहीद नू उस वक्त दी हकूमत ने मियाँ वाली जेल च भेजता ते गाजी साहब नू फांसी दी सजा सुना दी। गाजी इलम दीन शहीद उन्हों दी शान ते उन्हों दा मुकाम यह आ कि जदों गाजी साहब नू मियाँ वाली जेल दे विच भेजता ते एक रात मियाँ वाली जेल दे विच गाजी इलम दीन शहीद दी बैरक दे बाहर जेलर नवाजदीन ड्यूटी दे रहा सी। रात दा वक्त सी ताले लगे हुए सन ते यकदम एक तेज़ रोशनी जिहड़ी है ना ओह ज़ाहर हुंदी है। जदों के गाजी इलम दीन शहीद जड़े ने वह बैरक के अंदर मौजूद होंदे ने वो थोड़ी देर रोशनी रहिंदी है। जदों रोशनी ख़त्म हुंदी है ते वह गाजी इलम दीन शहीद अंदरों गायब हुंदे ने। जदों ये वाकया जेलर नवाजदीन वेंदा है क्योंकि भी गाजी साहब नहीं है बैरक दे अंदर बड़ा परेशान हुंदा है। हत्ता के दिन का चढ़ा शुरू हो जाता है घंटियां वज जांदियां ने ते सारयां नू आर्डर हुंदा है कि कैदियों नू बाहर कढ़ो ते नवाजदीन दसदा है कि मैं परेशान हो गया मेरी रूह कंब गई क्योंकि अंग्रेज़ की हुकूमत सी ते उन्हें कहना है कि एडा खतरनाक कैदी जड़ा है तू वो जेल चो भजा दिता। इस दौरान ही फिर तेज़ रोशनी होंदी है। जदों रोशनी ख़त्म होंदी है तो गाजी साहब जड़े ने वह आपकी बैरक दे विच मौजूद होंदे ने ते जेलर नवाजदीन जदों ये वेंदा है कि गाजी साहब आपकी बैरक दे विच मौजूद ने तो वह भज के गाजी साहब के कोल जाता है तो उन्होंने पुछता है गाजी साहब तुसी कित्थे गए साइए तो गाजी साहब आंदे ने कि तू अपना काम कर मैं कित नहीं सा गया मैं इत्थे ही हाँ तू अपना काम कर। तो जिहड़ा जेलर नवाजदीन ने वह गाजी साहब नू आंदा है कि तुहानू उस नबी का वास्ता उस नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता जिंदी वजह तो अज तुसी इत्थे मौजूद जे तूनू उन्हां दा वास्ता मैनू दसो तुसी कित्थे गए सा जे किधर गायब होए सा जे। तो गाजी साहब फिर उन्हों दसदे ने कि ए मैं वाकया तुहानू दसना लेकिन तुसी किसे अगे बयान नहीं करना। तो गाजी साहब फरमाते ने कि जदों रोशनी हुई सी तो हज़रत अली मौला कायनात हज़रत अली इत्थे आए ने मेरे कोल ते उन्हां मैनू कहा है कि चल मेरे नाल चल तुहानू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद किया है तो मैनू अपने नाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल लै गए ते नबीए आखरो जमान ने मेरी पेशानी ते बोसा दिता। तो ये सारा वाकया जड़ा है वह गाजी साहब ने नवाजदीन नू सुनाया। तो जदों गाजी साहब नू शहीद कर दिता गया तो उस तो बाद ये सारा वाकया नवाजदीन ने फिर लोगों नू दसिया। तो 31 अक्तूबर 1929 नू गाजी साहब नू शहीद कर दिता गया। जदों गाजी साहब नू शहीद किया गया तो उन्हां दी वसीयत दे मुताबक गाजी साहब नू लाहौर मियानी साहब कब्रस्तान दे विच दफन कर दिता गया। आंदे ने कि उस टाइम लाहौर दी तारीख दा सब तो वड्डा जनाजा जिहड़ा है वह गाजी साहब दा सी। एक अंदाजे दे मुताबक आंदे ने कि आप दे जनाजे दे विच 6 लाख लोगों ने शिरकत की जदों के उस टाइम लाहौर दी जिहड़ी आबादी है वह आंदे ने तकरीबन 3 लाख सी। आंदे ने कि जदों गाजी साहब नू दफनान लगे तो उस टाइम पीर जमात अली शाह ने गाजी साहब के पैरों नू बोसा दिता। तो पीर जमात अली शाह के मरीदा ने आख्या
कि पीर साहब तुसी वली जे तुसी इन्हां दी पछानी ते इन्हां दे चेहरे ते बोसा दिओ। ते अगो पीर जमात अली शाह साहब ने कहा कि पछानी ते बोसा तां मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसलम ने दिता है, मैं किवें पछानी ते बोसा दियां, मैं इस वजह तो इन्हां दे पैरां ते बोसा दे रहा। तो आंदे ने जदों गाजी साहब नूं कवर च उतारन लगे तो डॉक्टर मुहम्मद इलामा इकबाल रहमतुल्ला अलैह ने फरमाया अज लुहारां दा मुंडा साढ़े तो बाजी लै गया है। तो आखिर ते साडी अल्लाह पाक अगे दुआ है कि इस गाजी साहब दे सदके सानू साडियां औलादां नूं साडियां आने वालियां नस्लां नूं इस तरह का आशिक रसूल बना दे कि असी किसी बद मज़हब बद खलाक ते गुस्ताख दी गुस्ताखी नूं कबूल ही ना कर सकीए ते उन्हूं जहन्नम वासल कर दिए, बल्कि अल्लाह अगे दुआ है कि दुनिया दे विच कोई गुस्ताख गुस्ताखे रसूल पैदा ही ना होवे। आमीन।